फैक्ट्री में काम करते समय मशीन की चपेट में आए मजदूर की मौत। हंगामे के बाद मुआवजे का ऐलान। मुरैना जिले के इंडस्ट्री एरिया बानमो में सोमवार की सुबह फैक्ट्री में काम करते समय मशीन की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई, जिसके चलते फैक्ट्री गेट पर पहुंचकर परिजनों ने हंगामा कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। इसी बीच बानमो थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले शांत कराया। सूचना मिलते ही मुरैना विधायक राकेश मावई के विधायक प्रतिनिधि भी इसी बीच पहुंच गए और फैक्ट्री प्रबंधक से मृतक के परिजनों देने की बात कही। हंगामे के बाद बालाजी पॉली इंडस्ट्री द्वारा मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपये और एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया। कब जाकर पुलिस ने शव को नूराबाद अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विदित हुआ है कि ग्राम बनी नूराबाद निवासी 30 वर्षीय लोटन सिंह पुत्र सियाराम सिंह बानमो इंडस्ट्री एरिया स्थित बालाजी पॉली इंडस्ट्री नामक फैक्ट्री में प्लास्टिक के दाने बनाने वाली कटर मशीन चलाता था। मृतक का भाई राजेश सिंह ने बताया कि सोमवार की सुबह करीब 9 बजे लोटन सिंह ड्यूटी पर आकर कटर मशीन चला रहा था। उसी बीच आसपास काम मजदूरों जाकर देखा तो मशीन चल रही थी और लोटन सिंह उसके अंदर फंस गया। इसके बाद मौजूद मजदूरों ने मशीन को बंद कर उसको बाहर निकाला। तब तक वह दम तोड़ चुका था। बानमो थाना प्रभारी संतोष यादव ने बताया कि परिजनों के बयान पर मर्ग कायम कर कार्रवाई की गई। इसमें आज सुबह के समय एक मजदूर जो है कार करते वक्त दुर्घटना खत्म हो गया था। इनके परिजनों को यहाँ एकत्रित हुए और फैक्ट्री मालिक और परिजनों के बीच आपसी सहमति पर बनी कि जो भाई मजदूर के ख़त्म होने के बाद उसकी जो मुआवजा और उसके जो लेबर एक्ट के अंतर्गत जो उसको मिलना चाहिए, उसके परिवार को और उसके बीवी बच्चों को, उस पर एक आम सहमति बनी। उसमें हमारे कुछ जनप्रतिनिधि और आम पब्लिक के लोग। मृतक का नाम क्या था? मृतक का नाम था लोटन सन ऑफ सियाराम गुर्जर। ये कब से काम कर रहा था फैक्ट्री में? ये लगभग फैक्ट्री वालों ने बताया है 6 से 8 माह हो गए इसको काम कर रहा। हाँ, इस फैक्ट्री में लगभग 12 से 15 मजदूर काम करते हैं। तो आपके द्वारा क्या मर काम किया गया है? हाँ जी, मर काम करके जो भी वैधानिक कार्रवाई वो की जा रही है। थैंक यू। घटना घटी है, क्या मामला है इसके? फैक्ट्री में जो लड़का बता रहे हैं 1 साल से काम कर रहा था जी, वो इसमें काम कर रहा था, काम करते करते में कुछ उसमें कट्टे वट्टे में लपट के जी वो फंस गया मजदूर जी, तो उससे उसकी मृत्यु हो गई। तो क्या सेटलमेंट कैसे हुआ, कितने राशि में मुआवजा हुआ इनका जी? समझौता कैसे हुआ इनका? समझौता क्या है, वो उन्होंने आकर साटा के लिए बोल दिया, बैठ के बातचीत हो गई थी, सब लोग जुड़ गए इकट्ठे हो गए जी। तो उन्होंने बोला है कि 10 लाख रुपया उसको सहायता देंगे जी, और उसके भाई को परमानेंट नौकरी। ये कब से काम कर रहा था फैक्ट्री में? ये फैक्ट्री में 1 साल से काम कर रहा था, लेकिन इनका कहना, फैक्ट्री मालिक का कहना चाहिए कि 2 महीने से काम कर रहा था। ठीक।